मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि और चित्त समाधि निकट आती धूनी जाती व्याधि आदि उपाधि व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के बदल जाती है रसायन ग्रंथियों के बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का योत्सव ध्यान कायोस श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा
हृदय हो हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ॐ नमो अरहन्ताणु ॐ नमो सिद्धाणु ॐ नमो ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसि पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वरं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आज हमने टॉपिक रखा है कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति के लिए। तनाव से मुक्ति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर बीमारी की जड़ तनाव है। तनाव के कारण हमारे शरीर में छोटी छोटी पहले बीमारियां प्रवेश करती है, छोटी छोटी बीमारियां आती है और फिर वही बीमारियां धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। इसका जो मूल है तनाव, और आजकल जो हमारा जीवन हमारी जो जीवन शैली है हमारी जो दिनचर्या चल रही है उस दिनचर्या में हम सुबह से लेकर शाम तक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। रात को सोते हैं तो भी हमारे दिमाग में कुछ बातें चलती रहती है। तनाव से मुक्त होने के लिए तो कायोत्सर्ग सबसे बढ़िया साधन बताया गया, और प्रेक्षा ध्यान के जो 8 मुख्य अंग बताए गए उसमें पहला अंग है आपका कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग ध्यान में प्रवेश करने के लिए कायोत्सर्ग जरूरी है।
हम कायोत्सर्ग करते हुए ही ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो कायोत्सर्ग क्या है इसके बारे में हम पहले थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे। कायोत्सर्ग दो शब्दों से बना है, दो शब्दों का योग है कायोत्सर्ग, काया और उत्सर्ग। काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना या छूटना। तो शरीर को छोड़ना, इसका मतलब है शरीर को छोड़ना मतलब शरीर के प्रति आसक्ति को छोड़ना, मूर्छा को छोड़ना, ममत्व को छोड़ना, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना और शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना। जब तक हमारा शरीर शिथिल नहीं होगा, हमारा मन भी शिथिल नहीं होगा, हमारा मन भी शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कायोत्सर्ग ध्यान का पहला अंग बताया गया। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या है हमने जाना, अब कायोत्सर्ग करने की विधि क्या है। विधि तो कायोत्सर्ग हम संपूर्ण कायोत्सर्ग जब करते हैं तो करीब करीब 40 से 45 मिनट का कायोत्सर्ग कराया जाता है। जनरली आप 20 मिनट का भी कर सकते हो, 25 मिनट का भी कर सकते हो, आपको जितना समय हो उतना कर सकते हो, लेकिन हम शिविरों में जनरली 45 मिनट का कायोत्सर्ग कराया जाता है। तो कायोत्सर्ग तीन प्रकार से किए जाते हैं, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। तीन प्रकार से होते हैं। लेटकर किया जाने वाला कायोत्सर्ग साधारण कायोत्सर्ग कहलाता है, बैठकर किए जाने वाला मध्यम, और खड़े होकर किए जाने वाला उत्तम उत्तम कायोत्सर्ग। तो हमें स्टार्टिंग में लेटकर कायोत्सर्ग करने के लिए कहा जाता है। बैठकर या खड़े होकर करने में तकलीफ हो सकती है, हमारे लंबे समय तक एक आसन में बैठना या खड़े रहना हर एक से होता नहीं है, तो लेटकर अगर करते हैं तो आसानी से कायोत्सर्ग किया जा सकता है। अभ्यास हो जाए उसके बाद आप किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं, आसन सज जाए तो फिर खड़े खड़े भी कर सकते हैं। और जब आप खड़े खड़े कायोत्सर्ग शुरू करता हो तो ऐसा नहीं है आपको पूरे 45 मिनट तक खड़े ही रहना है। अगर आपको लगे खड़े रहने में तकलीफ हो रही है तो आप धीरे से आप बैठ जाए, बैठकर, लेकिन बिल्कुल धीरे से। जो बैठकर कायोत्सर्ग करते हैं, आसन एक आसन में बैठने में अगर तकलीफ हो रही है तो धीरे से आसन बदल भी सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भी हमें लेट कर ही करना है, आपको जैसी सुविधा हो उसी तरह से आप कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग करने से पहले हम पहले संकल्प किया जाता है, कोई भी काम करते हैं तो हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प शक्ति से कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। हमें संकल्प लिया हुआ है, एक मन में दृढ़ निश्चय है, मैं भी 4 घंटे तक कायोत्सर्ग करने जा रहा हूँ। तो संकल्प उसका उच्चारण करते हुए संकल्प किया जाता है। संकल्प के बाद ताड़ासन, 3 बार ताड़ासन किया जाता है। ताड़ासन क्यों किया जाता है, ताड़ासन करने से हम क्या करते हैं, शरीर में पहले तनाव देते हैं और फिर रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स करते हैं। तो तनाव और रिलैक्स, शिथिलता, इसमें अंतर क्या है इसको हम समझ सकते हैं ताड़ासन के द्वारा। ताड़ासन में पूरे शरीर को जब खड़े होकर तनाव देते हैं, पूरे मांसपेशियों में खींचाव आता है, और फिर जब हम धीरे धीरे मांसपेशियों को ढीला करते हुए शिथिल करते हैं तो ये शिथिलता और तनाव क्या होता है इससे हमें ताड़ासन से समझ में आ जाता है। उसके बाद हम 1 मिनट शरीर में भारीपन, 2 मिनट हल्केपन का अनुभव करते हैं। शरीर में भारीपन और हल्केपन का अनुभव, हमें शरीर में भारीपन होने से कैसा लगता है और हल्कापन शरीर में होता है तो कैसा होता है, इसका अनुभव पहले हमें करते हैं। तो 1 मिनट भारीपन और 2 मिनट हल्केपन का अनुभव किया जाता है। उसके बाद हम कायोत्सर्ग में धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंगों पर चित्त को ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव देते हुए जाते हैं, और क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दिया जाता है और शिथिलता का अनुभव किया जाता है। पूरा शरीर शिथिल हो जाने के बाद हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं।
श्वेत रंग का ध्यान हमारे पूरे आभा मंडल में, श्वेत रंग का ध्यान, श्वेत रंग पवित्र होता है, निर्मल होता है और हमारा आभा मंडल निर्मल हो रहा है, पूरा शरीर निर्मल हो रहा है ऐसा अनुभव हम करते हुए श्वेत रंग का ध्यान कराया जाता है। और आखिरी चरण में भेद विज्ञान की अनुभूति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता, हमारा शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, इसका बोध सिर्फ प्रेक्षा ध्यान में ही कराया जाता है कायोस्थ के अंतर्गत। और भी बहुत सारी ध्यान पद्धतियां हैं, शवासन, शवासन कराते हैं लेकिन शवासन में भी भेद विज्ञान की अनुभूति नहीं होती, शरीर का शिथिलीकरण होता है उसमें, शरीर हमारा शिथिल हो जाता है लेकिन भेद विज्ञान की अनुभूति, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये अनुभूति कायोस्थ के अंतिम चरणों में की जाती है। तो हमारे शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है, इसलिए हम इसको कहा गया है कि कायोसर जीते जी मृत्यु दर्शन का प्रयोग है, अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग अगर कहें तो कायोसर है। शवासन और कायोसर में ये फर्क मैंने बताया आपको। अब लेट कर करते हैं तो भी हमें नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमें जागरूक रहना होता है। हम जब नींद में होते हैं तो हमें शरीर का भान नहीं होता है, भान छूट जाता है शरीर का जब गहरी नींद में होते हैं, तो पूरी तरह से जागरूक रहते हुए शरीर का भान छोड़ देना, पूरी तरह जागरूक रहते हुए शरीर का भान छोड़ देना कायोस्थ। जागरूक रहते हुए हमें शरीर में क्या हो रहा है उसका भान नहीं, केवल शिथिलता का अनुभव, शिथिलता का अनुभव करते हुए। तो ये कायोस्थ का प्रयोग करने के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। आप सब तैयार हैं? यस। जिनके वीडियो एक बार वीडियो ऑन कर ले उसके बाद हम कायोस्थ का प्रयोग करेंगे। मैं सबको गैलरी में ले रहा हूँ, एक बार सबकी स्माइलिंग चेहरे, जैसे अलका जी कहती है मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका दिख रहा है। तो ओम अरहम, ओम अरहम। आज हमारे साथ ब्रिजमोहन जी भी जुड़े हुए हैं, मुंद्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन सबका। तो हम अभी कायोस्थ के लिए तैयार हो रहे हैं, संपूर्ण कायोस्थ हमारा करीब करीब 40 से 45 मिनट का प्रयोग चलेगा। तो आप अगर लेट कर कायोस्थ करना चाहते हैं तो अपने लेटने जितनी जगह बना लें, लेटने जितनी जगह बना लें। बैठ कर कायोस्थ करना है तो आप किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हो जैसा मैंने बताया, और खड़े होकर करना चाहते हैं तो आप खड़े खड़े भी कायोस्थ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें खड़े होकर संकल्प, मैंने बताया जो संकल्प लिया जाता है वो खड़े होकर लेते हैं, खड़े होकर संकल्प करते हैं, उसके बाद कायोस्थ में जो स्थिति होती है उस स्थिति में आते हैं। तो पहले अपने स्थान पर सब खड़े होकर संकल्प करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ संकल्प का उच्चारण करना है। तस्य उत्तरीकरणेनं पायचित्तकरणेनं विशोहीकरणेनं विसल्लीकरणेनं पावाणं कम्बाणं निग्घायनट्ठाय थामिकौशलम्। मैं शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोस्थ का संकल्प करता हूं, 40 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा, तंद्रा निंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। हमने संकल्प लिया है 40 मिनट बाद वापस लौट कर आएंगे, नींद में नहीं जाएंगे, ध्यान रखना है तो जागरूकता बनाए रखनी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे 3 बार ताड़ासन, दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से घुसाते हुए नीचे की ओर हथेलियों को पलट दीजिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे,
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, पूरा तनाव ऊपर की ओर, पूरा तनाव दीजिए। अब दोनों पैरों की एड़ियों को उठाते हुए, पंजों के बल आते हुए मूल बंद लगाइए। मूल बंद लगाते हुए खड़े रहेंगे, तनाव जितना ज्यादा तनाव देंगे उतना ही अच्छा आयोजन होगा। धीरे धीरे मूल बंद खोलते हुए एड़िया नीचे, दोनों हाथ नीचे। इस क्रिया को दो बार और दोहराएंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। अब आप लेट कर कायोस्थल करना चाहते हो तो अपने अपने स्थान पर लेटे, बैठ कर कायोस्थल करना चाहते हो तो किसी भी एक आसन का चयन करते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। और जो खड़े खड़े कायोस्थल करना है वो अपने स्थान पे सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई रहे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अब एक मिनट पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करना है। जो लेट कर कायोस्थल कर रहे हैं, पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखेंगे, दोनों हथेलियों को जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखेंगे, हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई रहेगी, और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। गर्दन को किसी एक और हल्की सी लुढ़क जाने दे, गर्दन में तनाव ना रहे बिल्कुल। जो बैठकर कायोस्थल कर रहे हैं, जिस आसन में भी आप बैठे हो, लगे कि आसन में बैठना तकलीफ हो रही है तो आसन धीरे से बदल ले, कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, तो आपने अपनी अपनी स्थिति ले ली होगी। तो एक मिनट पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें, पूरा शरीर भारी 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 हो रहा है, शरीर में भारीपन का अनुभव। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शीशे की भांति भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, भारी हो रहा है। पूरा शरीर शीशे की भांति भारी हो गया है, भारीपन का अनुभव। अनुभव करें शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। हल्केपन का अनुभव, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हल्का हो रहा है।
बिल्कुल हल्का। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव। दो मिनट तक हल्केपन का अनुभव करना है। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का 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 होता जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया। कायोत्सव का अगला चरण शरीर का शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आइए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे के चारों ओर घुमाते हुए परिक्रमा करते हुए बिल्कुल अंदर तक ले जाएं और सुझाव दें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर ले जाना है, शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए दाहिना पैर शिथिल हो रहा है। पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। दाहिना पैर
पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करें, चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पे ले आइए, बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पंथली, एड़ी, तखना, तखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, घुटना और घुटने से लेकर कटी तक, साथल या जंघा पर पूरा कटी भाग, पूरा बाया पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव करें बाया पैर शिथिल हो रहा है। पूरा बाया पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दोनों पैर पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को नाभि से चार अंगुल नीचे पेड़ू के स्थान पर केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग पेट के भीतरी अवयव दाहिना गुर्दा बायां गुर्दा दोनों गुर्दे या दोनों किडनियां, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तिल्ली, यकृत या लीवर, तनुपट या डायफ्राम, पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। अब चित्त को छाती पर लेकर आ जाए, छाती का पूरा भाग दाहिनी पसलियां, दाहिना फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा,
फुफ्फुस, हृदय या हृदय के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अब चित्त को कमर पे ले आइए, कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, कमर और पीठ का पूरा भाग रीढ़ की हड्डी के एक एक मन के एक एक मन के पूरा मेरुदंड, सुषुम्ना और गर्दन तक का भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा धड़, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पेट, छाती, कमर, पीठ, बदन पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को दाहिने हाथ पे ले आइए, दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करना है, बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बाया हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए बाया हाथ भी शिथिल हो गया है, दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को गले के अंदर कंठ के स्थान पे ले आइए, कंठ या स्वरयंत्र, कंठ का कायोसन या अंतर्मौन। अनुभव कीजिए स्वरयंत्र शिथिल हो रहा है। गले के अंदर श्वास नली, खाद्य नली और कंठ शिथिल हो गए। पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब चेहरे और मस्तिष्क को तनाव मुक्त या शिथिल करना है, चित्त को ठुड्डी पर केंद्रित करें, ठुड्डी, होंठ, मुंह के अंदर, मसूड़े, दांत, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना गाल या दाया कपोल, बाया गाल या बाया कपोल,
दाहिनी कनपटी, दाहिना कान बिल्कुल अंदर तक, बाई कनपटी, बाया कान और पूरा नाक, नाक के अंदर तक। दाई आंख, बाई आंख, दोनों आंखें बिल्कुल भीतर तक और पूरा लला, पूरा चेहरा शिथिल हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पर लेके आ जाए, दाहिना मस्तिष्क, बाया मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो गए। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। कायोत्सर्ग के अगले चरण में शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें, शरीर के चारों ओर सफेद रंग का प्रवाह। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बह रहा। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भरा हुआ। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग, सफेद रंग के परमाणु से भरा हुआ है और प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु, सफेद परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहे। सफेद रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। सफेद रंग की भांति पूरा शरीर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो रहा है। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का, शिथिल, स्वच्छ,
निर्मल और पवित्र हो गया है। शरीर के बाहर भी पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भरा हुआ है। चारों ओर केवल सफेद रंग, ओनली व्हाइट, सफेद रंग शांति का प्रतीक। शरीर के कण कण में परम शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर के कण कण में परम शांति, परम आनंद का अनुभव। कायस्वर का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान की अनुभूति। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। जिस तरह मथनी द्वारा मथने पर दही से छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह शिथिलीकरण द्वारा हम शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव कर सकते हैं। शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग भेद विज्ञान की अनुभूति। अनुभव कीजिए, हमें जो शरीर मिला है ये शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर नश्वर है, नाश होने वाला है, आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है, आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। शरीर
आत्मा शरीर आत्मा शरीर आत्मा शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। अनुभव कीजिए पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है, शरीर के सारे तंत्र निष्क्रिय हो गए हैं, कायोत्सर्ग की समय सीमा संपन्नता की ओर है, हमें कायोत्सर्ग से वापस लौटना है, वापस लौट आना है, वापस लौटना है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए, पूरे शरीर की यात्रा करते हुए अनुभव करें शरीर में, पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें और अनुभव करें शरीर के कण कण में चेतना लौट रही है, शरीर चैतन्यमय हो रहा है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। प्रत्येक अंगों पर ध्यान ले जाते हुए अनुभव कीजिए शरीर के प्रत्येक अवयव में प्राण का संचार पुनः हो रहा है, पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है। पूरा शरीर चेतनामय हो गया है, सारे तंत्र पुनः सक्रिय हो गए हैं, शरीर में चेतना लौट आई। ओम शांति शांति शांति। तीन बार दीर्घ श्वास, लंबा श्वास भरे और लंबा श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए पूरा शरीर नॉर्मल अवस्था में आ गया है, शरीर को नॉर्मल हो गया है ऐसा अनुभव करें। हाथों के अंगुलियां, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए शरीर में सक्रियता का अनुभव करते हुए जो लेट कर कायोत्सर्ग कर रहे हैं बाईं ओर करपट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आए, और जो खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रहे हैं धीरे से सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवच्यामि, सिद्धे शरणं पवच्यामि, साहू शरणं पवच्यामि।
केवली पुनतम धम्मम शरणम पवचामि अरहंते शरणम पवचामि सिद्धे शरणम पवचामि साहु शरणम पवचामि केवली पुनतम धम्मम शरणम पवचामि अरहंते शरणम पवचामि सिद्धे शरणम पवचामि साहु शरणम पवचामि केवली पुनतम धम्मम शरणम पवचामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बदलासन में आए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, तीन बार सत्य की वंदना। सच्चे बंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्सम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और इस क्रिया को तीन बार दोहराना है। वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए ऊपर, वंदे सच्चम वंदे सच्चम, दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को अंधेरे में खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए, रिलैक्स, आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए, आराम से बैठे, रिलैक्स। तो अभी करीब करीब 40 मिनट का प्रयोग, 40 से 45 मिनट लगे होंगे, हमने कायासन का प्रयोग किया, संपूर्ण कायासन। कायासन करने के बाद निश्चित ही आपके शरीर में हल्केपन की अनुभूति हो रही होगी। अभी 5-7 मिनट का समय है हमारे पास, हम जिज्ञासा समाधान या कहीं आपका कोई प्रश्न हो या आपके कुछ अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके अब बात कर सकते हो। जय जिनेंद्र, आनंद भाई साहब, जय जिनेंद्र। शरीर में बहुत अच्छा हल्कापन अनुभव हुआ और ये वैसे रोज ही करते हैं थोड़ा थोड़ा था कायासन। देखिए, ध्यान जब करते हैं तो कायासन तो करते ही है, बिना कायासन के ध्यान होता नहीं है, मैंने बताया। थोड़ा करते हैं और लघु कायासन होता है, और आज हमने संपूर्ण कायासन का अभ्यास किया, 1.25 घंटे का करीब करीब होता है, 40-45 मिनट का। तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और करने के बाद मानसिक शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, शरीर में हल्केपन की अनुभूति है, तो बहुत सारे फायदे है कायासन। बस वही अच्छा लगा। जय जी नरेंद्र सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयोग रहा, बहुत अच्छा। जो जब भी हम भेद विज्ञान की तरफ जाते ना तो बहुत अच्छा लगता है सर, कि हमें अपना शरीर अपना नहीं है, ये जो भेद विज्ञान का रहता है और सफेद, पूरा सफेद, तभी ऐसे लगता है कि मानो हम कहाँ पे तो ऐसे आत्मा के साथ ही है। शरीर हमारा नहीं है ऐसा बोध अगर हमें होता है तो क्या होता है, हमारा शरीर के प्रति ममत्व तो कम होता है, हम जानते हैं भी शरीर तो हमारा नहीं है, छूटने वाला है, तो इससे हमारी कर्म की निजरा होती है, सही कर्मों की निजरा होती है, हम अपने आसक्ति से मुक्त,
आसक्ति से मुक्त होने से हमारे कर्मों की निजरा होती है और कर्मों की निजरा करने का एक साधन काय उसे भी बताया गया है। बहुत सारे साधन है कर्मों की निजरा करने के लिए। हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, कर्मों की निद्रा, तो ये कायोत्सव भी हमारे प्रत्यक्ष ध्यान का ही अंग है और इससे हमें कर्मों की निद्रा होती है। आसक्ति छूटना, हम संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हम सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें एक आसक्ति के साथ करते हैं, एक आसक्ति से मुक्त होकर करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगता है। और मैं खड़े होके करती हूँ सर, मालूम नहीं पड़ता है कि मैं खड़ी हूँ, और ऐसे हल्कापन तो इतना बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ कहना हो हमारे साथ, आज ब्रिजमोहन जी जुड़े हुए, ब्रिजमोहन जी अपने आप को अनम्यूट करके हमें आशीर्वचन के रूप में दो शब्द आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। एक मिनट, बहुत बढ़िया सत्र हो गया, बहुत खुशी हुई आपसे सबको मिलकर। वैसे मैं अटेंड तो करता हूँ बीच बीच में, जैसे टाइम सुटेबल है, मेरा भी क्लास चलता है, तो मेरे को थोड़ा सा उसको आगे ढकल दिया, आपका पहले ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है, और निश्चित रूप से हम आपका भी मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, एक दिन हम आपको भी आमंत्रित करना चाहेंगे योगाभ्यास। मैं आपके आगे तो हमें पता है, और हम योगाभ्यास की क्लास में एक दिन आपको बुलाना चाहेंगे, तो जब भी आपको अवसर हो, सुविधा हो, आप हमें स्वीकृति प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन एक दिन करें। जरूर भाई जी, जरूर, हम भी आपसे सीखना है, और मुझे जो आता है वो मैं बता दूंगा, जैसे थोड़ा बहुत आता है। मंजू जी, सभी को प्रणाम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा लगा आज का कायोत्सव, जैसे लगता है पूरा शरीर हल्का हो गया, एकदम तनाव मुक्त हो गया। बहुत अच्छा, आप ऐसे प्रयोग हमें हमेशा कराते रहे तो हम लोग का। और किसी, मीनू जी, मैंने लेट से किया था, थोड़ी थोड़ी। नमस्कार सर, आज का कायोत्सव बहुत बढ़िया रहा, और ध्यान या कायोत्सव जब भी हम करते हैं, आपके साथ कई बार किया हुआ है मैंने आपके हर क्लास में, जब भी करते हैं तो लगता है कि उसके बाद मन और शरीर, मन और तन दोनों इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि कुछ बात करने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल कूल होके चुपचाप शांत बैठे रहो। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कायोत्सव अभ्यास हमें नियमित करते रहना चाहिए। आप कभी भी कायोत्सव करना चाहे कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं भी सुबह ही करना है कायोत्सव, हम दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी अवकाश हो हमारे पास, जरूरी नहीं हमें पौन घंटा ही करना जरूरी है। और आप, ऐसा कहा गया है कि आज अगर आप 20 मिनट कायोत्सव कर लेते हो तो 2 घंटा की नींद लेने के बराबर फायदा होता है। 2 घंटा नींद लेते हो और 20 मिनट कायोत्सव करते हो तो 2 घंटा नींद से हमें जितना आराम मिलेगा उतना आराम हमें 20 मिनट के कायोत्सव से मिल सकता है। हाँ जी, सच, ये ट्रूथ है, सच्चाई है जी। तो अभी समापन की ओर चले। अच्छा, आज शनिवार का दिन है, दोपहर को बच्चों की क्लास रहेगी आज, तो अपने अपने बच्चों को जरूर जोड़िए। आज हमारे साथ मुंबई से भारती जी आचार्य जुड़ने वाली है और बच्चों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करने वाली है 3 बजे। और कल रविवार है, कल 9 बजे एक विशेष कार्यक्रम है, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। कल हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसकी सूचना आपको मिलेगी। और लिंक हमारा कल यही लिंक रहेगा, दोपहर को भी यही लिंक रहने वाला है, इसी लिंक से जुड़ना है। अपने परिजनों को भी आप सूचना करते हुए भी कल का प्रोग्राम जरूर अटेंड करें, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, कल का टॉपिक आपको मिल जाएगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का
सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इस भावनाओं के साथ हम सब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।